नवी मुंबई के अंबेडकर नगर में नए साल का जश्न अनूठे अंदाज में मनाया गया। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने द्वारा आयोजित इस 31st सेलिब्रेशन में गुणवंत विद्यार्थियों एवं प्रतिभावान युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने कहा कि नए साल के जश्न के बहाने अधिकांश युवा नशेबाजी में मदहोश हो जाते हैं। उन्हें पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखने एवं संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से बीते 25 वर्षों से यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें युवाओं को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर नगर रबाले में 31st का अनूठा सेलिब्रेशन करते हुए नए साल 2022 का स्वागत किया गया। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्जनों प्रतिभावान युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने संघर्षों के बीच सफलता का नया इतिहास लिखा और नई उपलब्धियां हासिल की। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने बताया कि नए साल के जश्न के बहाने अधिकांश युवा नशेबाजी करते हैं और उसके आदि बन जाते हैं। ऐसे युवा और विद्यार्थी पाश्चात्य संस्कृति के इन व्यसनों से दूर रहें और उनमें अपनी प्रतिभा से उपलब्धियां हासिल करने का जज्बा पैदा हो, इसके प्रोत्साहन के लिए हर साल 31st को यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने युवाओं और छात्रों के अच्छे प्रतिसाद पर भी खुशी जताई और सभी राजनीतिक हस्तियों से ऐसी ही पहल करने की भी अपील की। विश्व गुरु बनना चाहते हैं हम लोग, तो विश्व गुरु की तरह हमारी संस्कृति को भी हमको उजार करना चाहिए। जिस प्रकार की भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि आखिरी दिन हम इतने मदहोश हो जाए, इतने मदधुंध हो जाए कि हमें याद ही नहीं कि गुजरा दिन कैसा था और आया दिन कैसा है। हम आज भी होश में रहकर ये स्वागत करते हैं आने वाले कल का, लेकिन जाने वाला जो कल है उसके बारे में हम यहाँ ये सारी चीज़ें याद करते हैं। इसलिए आने वाले कल का संकल्प लेके संकल्प दिवस के माध्यम से क्रांति चौक वर्धापन दिन मनाया जाता है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पहले हमको 10वीं 12वीं के बच्चे मिलते थे, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि कई अलग अलग डिग्रियाँ लेके बच्चों ने यहाँ पर 90-95% मार्क्स लिए हैं। ये जो उपलब्धि है, ये निश्चित रूप से क्रांति चौक वर्धापन दिन की उपलब्धि है। इस दिन कोई भी लड़का लड़की अपने दोस्त के साथ बाहर ना जाए और कोई किसी व्यसन में ना फंसे, इसलिए हम इस कार्यक्रम को 25 साल से कर रहे हैं। मुझे आनंद है आज ये सत्कार हुआ है और इसी प्रकार भविष्य में भी करते रहेंगे। बताना जरूरी है कि पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की इस सकारात्मक पहल से अंबेडकर नगर रबाले की झोपड़पट्टियों से आशीष गौतम और अभिलाषा मात्रे जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवी मुंबई का नाम रोशन किया। पूर्व मेयर ने कहा कि यह सब सकारात्मक प्रोत्साहन का नतीजा है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।